बॉलीवुड संजय दत्त वगैरह आते रहते हैं। अच्छा, संजय दत्त आते रहते हैं। हाँ जी, मतलब नॉन वेज का चार होते थे मैंने सुने थे, पर सर हमारे पास जो मटन होता है तो पहले पहाड़ी बकरा होता है। अच्छा, पर पहली बार देख लिया। हाँ जी दोस्तों, ओल्ड शिमला रोड पर आए थे भाई साहब, सबसे पुरानी भारत की प्राचीन शॉप पर लेकर आए हैं, जहाँ पर मिलता जनाब मुर्गे का, बकरे का, मछली का, है ना, दुनिया भर के भांत भांत के नॉन वेज के अचार मिलते हैं। हाँ जी नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार सर, बढ़िया जी। बढ़िया सर। सबसे पहले नाम बता दो अपना, क्या नाम आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार, अशोक पाजी आपने तो बारिश करवा दी यार, मुर्गे का, बकरे का, मछली का अचार देखना था हमने तो, आपने तो बारिश करवा दी दवाकर। ये मौसम ऐसे रहता है हिमाचल में यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी ऐसे रहता है। तो सर ये बताइए कितने साल पुरानी शॉप है आपकी? 75 साल। 75 साल पुरानी शॉप है। तो कितनी दूर दूर से खाने के लिए आते हैं? सर बहुत टूरिस्ट, दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, चंडीगढ़, फिल्म इंडस्ट्री, आर्मी। अच्छा जी, ये पक्की बात है जी? पक्की पक्की। तो आर्मी से कितने किलो लेके जाते हैं चार रास्ते? क्विंटलों के हिसाब से जाता है। क्विंटलों के हिसाब से। और फिल्म बॉलीवुड वाले भी? बॉलीवुड में भी जाते हैं सर। बॉलीवुड से कौन आता है? बॉलीवुड संजय दत्त वगैरह आते रहते हैं सर। अच्छा, संजय दत्त आते रहते हैं। हाँ जी। क्या बात है, तो अचार दिखाएंगे सर? और सबसे पुरानी शॉप आपकी यहाँ हिमाचल में आपकी? बहुत पुरानी सर, 75 साल हो गए शॉप को। 75 साल हो चुके हैं। ये चिकन सर बोन वाला? चिकन बोन वाला। हाँ जी। ये अचार है? अच्छा, विदाउट बोन भी रहता है सर? हाँ जी सर। ये मटन बोन? मटन बोन। मटन बोन। तो सर इसे धुएं निकल रहे, गर्म गर्म अचार है? बनाया अभी, बनाइए। अच्छा, फ्रेश बनाया अभी आपने? क्या बात है। तीसरे नंबर पे सर? सर मटन बोनलेस। मटन बोनलेस ये छोटे छोटे पीस रहते सर? मटन बोनलेस के छोटे। जी जी जी। चिकन बोनलेस? चिकन बोनलेस। ओ भाई साहब, ये चेक करो यार, पीसेस बड़े जबरदस्त हैं सर। भैया फिश का? ये फिश का। तो फिश सर ये खराब तो नहीं थी, स्मेल तो नहीं मारती? 3-4 महीने तक यूज कर सकते हैं। 3-4 महीने तक यूज कर सकते हैं जो वेज वाला? 2-3 साल। तो सर ये जो स्पेशल लिखा आपने बकरे का, मुर्गे का अचार है ना? हाँ जी। और लोग कहते भी है कि वालिया साहब के पास यहाँ पर पुराने अचार मिलते हैं, बहुत पुरानी शॉप है भारत की। हाँ जी। ये बात सच्ची बात है? बिल्कुल सर। हाँ जी, बहुत पुरानी शॉप। तो पिताजी ने शुरू किया था जी? ये बुजुर्गों के टाइम के सर। बुजुर्गों के टाइम की। तो सबसे ज्यादा कौन सा अचार बिकता है जी आपका? सर हमारे तीनों चलते हैं, चिकन, मटन, बोन, बोनलेस बिकते हैं, बाकी वेज में है, वेज में भी बहुत आइटम है हमारे पास। तो सर ये बताइए, अचार तो दुनिया बना रही, दुनिया खिला रही, आपकी दुकान की क्या खास बात है? सर टेस्ट करके फिर लगता है पता है खास बात क्या है। टेस्ट करके कस्टमर अपने आप लेता है। सर हमारे पास जो मटन होता है तो पहले पहाड़ी बकरा होता है। अच्छा, जब फिश भी लोकल होती है जी। तो सर बॉलीवुड वाले पक्की बात आते हैं कि झूठ बोल रहे हो? पक्की बात सर, बॉलीवुड हमारे यहाँ कई बार बैठ के हमारे पास खा के गया। पहले उसी कारगिरी छूटी होंगी तो पूरे हीरो यहाँ आए थे, खा के गए थे हमारे यहाँ पे शॉप पे। अच्छा, इस शॉप पर? हाँ जी, तब संजय दत्त अपने साथ ले तो मतलब संजय दत्त साहब लेके आ गए आपके हाँ पास यहाँ जब एलओसी की कारगिल की शूटिंग हुई थी। हाँ जी, उसके बाद तो बॉलीवुड वालों को पता लग गया सिगरेट जगह। बिल्कुल। तो मतलब बॉलीवुड वालों को लगा रहता था? लगा रहता था, पैकिंग इमरान कोहली वगैरह सब लेके गई, वो चार बहुत पैक करवा के। अच्छा, लेके जाते हैं यहाँ से। तो प्राइस क्या रहते हैं सर, जैसे बात करें बकरे और मटन का, क्या प्राइस? बकरे बोन वाला 600 रुपए किलो है जी, मटन बोन वाला 1000 रुपए किलो है। अच्छा, बोनलेस 1200 रुपए किलो मटन। अच्छा जी, चिकन बोनलेस 800 रुपए किलो है। क्या बात है। मच्छी का 1000 रुपए किलो है। मच्छी का 1000 रुपए किलो। सर मच्छी का इतना महंगा क्यों? मच्छी कौन सी महंगी है यूज करते हैं? सिंघाड़ा मच्छी वैसे महंगी होती है। तो सर ये जैसे स्पेशल चना, ये सर वेज में हो गया सर? वेज में चने का अचार? चने का अचार सर, काले चनों का? हाँ जी, ब्लैक चने का। अच्छा जी, तो आपको कौन सा पसंद है जी? सर हमारे को तो सारे पसंद है। सारे पसंद है। सर फिश का करो? फिश का, फिश पहाड़ी नहीं रहती होगी? हाँ जी, लोकल होती है ना ये, लोकल होती है। पर बकरा आपका पहाड़ी रहता है? बकरा पहाड़ी होता है। क्या बात है जनाब, ये चेक कर लो यार। अच्छा, ये पैकिंग सिस्टम भी चलता रहता है मेला? हाँ जी सर, पैकिंग का काम है अपना सारा। जी जी, ये कहाँ पैक होके जा रहे हैं सर? ऑर्डर पे सर, कोरियल होता है, कोरियल भी भेज देते हैं, कस्टमर ऑर्डर देते हैं फोन पे जी, हम कोरियल करवा देते हैं। सर ये पैक होके कहाँ जा रहा है? ये सर दिल्ली जा रहा है। दिल्ली जा रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ से पैक होता रहता है, लाइव चलता रहता है सिलसिला। ये देखो जी। तो सर हमें कौन सा टेस्ट कराएंगे? हम तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे, छोटे छोटे पीस। सर सब टेस्ट करो सर, नॉन वेज में तीनों टेस्ट करवाते हैं आपको। तीनों टेस्ट कराते हैं सर। एक वो चने का भी दिखा देना जी, चने का। फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये वेज का आ गया, चने का चार। चने का सर डाल रहे हैं थोड़ा। क्या बात है। ये कौन सा जी? ये सर मटन का बोनलेस। मटन का बोनलेस। ओए होए होए, क्या बात। सर खट्टा मीठा रहता है अचार, कैसे रहता है नॉन वेज का? खट्टेपन में होता है सर, नॉन वेज खट्टेपन में रहता है। ये चिकन का बोनलेस। ये चिकन का बोनलेस। ओ भाई साहब क्या बात है। फिश का भी रहेगा सर, ये भी बोनलेस रहेगा आपको। तो कितने अचार आ गए सर इसमें? 5। इसमें अच्छा 4 आ गए, 3 नॉन वेज 1 वेज। 3 नॉन वेज 1 वेज, 4-5 अचार आ गए जी सर। क्या बात है। तो भाई साहब ये इंडिया की पहली शॉप है, एकमात्र भारत की पुरानी शॉप है, जहाँ पर ना बॉलीवुड सितारे दूर दूर से स्पेशल खाने के लिए आते हैं, और मिलिट्री वाले भी ना मैं कह रहा हूँ क्विंटलों में स्पेशल अचार पैक करा के लेके जाते हैं। और अचार पता कौन से हैं? पहाड़ी मटन रहता है, ठीक है जी, चिकन हो गया, फिश होगी। तो सर इसमें कौन सा फिश है, मटन है, पहाड़ी बकरा, ये तो मैं भूल ही गया जी। ये मटन का है जी, ये फिश का है, और ये चिकन। आपको अंदाजा पूरा है ना?
मुझे तो पता ही नहीं लग रहा है, सारे एक ही जैसे कलर लग रहे हैं, पर ये ना खा के टेस्ट पता लगेगा। ये फिश का है जी, दुकानें ऐसी बहुत मिलेंगी पर ऐसा जायका ना टेस्ट। ऐसे सब्जी ले लो यार, अचार ही बड़ा फ्रेश है। चिकन का ले लो, मटन का ले लो, या फिश का ले लो, सो गुड है यार। मतलब नॉन वेज का अचार होते थे मैंने सुने थे पर पहली बार ही देख लिया। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना दबा के, और ऑर्डर करना पाजी ने आपको एड्रेस बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। लोकेशन एड्रेस क्या पड़ती है, किसने खाने के लिए आना हो? ये बाईपास से आना हो शिमला के लिए जी, तो टीटीआर से इधर घूमना पड़ेगा, लेटो से आपको 500 मीटर अंदर आना पड़ेगा कालकावले रोड। अगर इधर कालका से होके आते हैं तो इसी रोड पे आएंगे, इसी रोड पे। सर आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है जी, इतने बिजी शेड्यूल में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।